इसके बाद अब हम देखेंगे कि हीलिंग टारगेट्स हमारे क्या होने चाहिए। हमारे पास अपनी फैमिली में है या कोई हमसे मशवरा लेता है तो कहाँ तक उसको लेके जाना है ना, उसको होप दिखानी है, ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर। जो होना था हो गया, इट वॉज पास्ट, इट हैपेंड फॉर अ पर्पज, क्योंकि तुम्हारा कसूर नहीं है, यू विल नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल, अल्लाह ताला के पास तुम्हारी कोई ऐसी पूछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारे लिए अभी भी रास्ते हैं बहुत सारे, अब उसको क्या है, कंट्रोल ऑफ लाइफ उसके पास होना चाहिए कि वो एक सेन अंदाज में अपनी जिंदगी गुजार सके। ट्रॉमा रहता है, बहुत अरसे तक रह सकता है, सारी जिंदगी भी रह सकता है कि मेरे साथ ये हुआ, लेकिन वो इतना बड़ा ट्रॉमा ना हो, इतना बड़ा दुख ना हो कि आप अपनी जिंदगी आगे चला ही ना सकें, शौहर के साथ रिलेशनशिप ना बना सकें, या ये कि आप अपने बच्चों को ना पाल सकें, या ये कि दूसरों को एनर्जी देने वाले ना हो। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि बहुत से जो लोग ऐसे होते हैं ना जिनके अपनी लाइफ में कोई इश्यू होते हैं, आप देखिए उनमें से कौन से लोग हैं जो एनर्जी गिवर्स बनते हैं, जो ऐसे इदारे या ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब वो बहुत से लोगों को देखते हैं वो कहते हैं अच्छा मेरे साथ तो एक दफा हुआ था, इसके साथ तो इतना है, चलो मैं इस इदारे में सबको पढ़ाने के लिए हेल्प करती हूँ, उनको एनर्जी मिलती है। तो अपने बच्चों को वैसे भी हमारा मिजाज होना चाहिए, वॉलंटियर वर्क और ऐसे कामों में लगाना चाहिए हमें, ताकि जब हमारे बच्चे इस तरह के काम करेंगे ना तो वो अपने इश्यूज पे मिनिमाइज होते हैं। हमारे साथ अपना कोई ट्रॉमा हो हम वॉलंटियर करें, आप देखें अपने ट्रॉमाज भी मिनिमाइज होते हैं, लगता है पता नहीं किसकी दुआ लग जाएगी, किससे फायदा हो जाएगा। रोज रोज जब आप ऐसी चीजें देखते हैं आप सोचते हैं अच्छा मैं अपने मसले को लेकर बैठी हूँ, कितने लोग मुझसे ज्यादा इस चीज में सफर कर रहे हैं, तो मुझे निकल के लोगों की हेल्प करना है। दूसरा टारगेट यह है कि आपके फ्लैशबैक्स या मिनिमाइज हो जाएं, जो आपको बार बार वो चीज याद आती है, या ये है कि वो बिल्कुल खत्म होने शुरू हो जाएं। और उसका तरीका ये होता है कि आप हमेशा एक्नॉलेज करते हैं पास्ट को, आप ये नहीं किसी को भी कहते हैं भूल जाओ, कहने से कोई नहीं भूलता, आप उसको कहते हैं बस जो था ना पास्ट में इट्स डन, इट इज पेनफुल, इसके साथ ट्रॉमा भी था और ये कभी कभी आपको याद भी आ सकता है, बट इट्स ओके। जब आप ये बात कहते हैं तो समझे कि आप उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से पैक करके बैग में रख के उसको ताला लगा के अपने स्टोर हाउस में रख रहे हैं, कि अब जरूरत नहीं है उसको खोलने की, इट्स डन विद। दूसरी चीज क्या होती है कि आपने उनको फ्यूचर का दिखाना होता है, पढ़ाई भी करो, लोगों की हेल्प भी करो, अच्छे लोग भी मिलेंगे, तो आप बता सकते हैं कि अच्छा चलें आप ड्रॉ करें आपके सर्कल में कितने लोग हैं, 100 में से एक हुआ, बाकी तो अच्छे थे, 99 लोग तो अच्छे थे ना, तो हमने उन 99 लोगों की तरफ देखना है और हमने उनके साथ अपने रिलेशनशिप्स को अच्छा करना है, हमने उनका फोकस जो होता है पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाना होता है और उनको लिविंग इन द मोमेंट सिखाना होता है। लिविंग इन द मोमेंट ये होता है जो अभी का वक्त है ना, चलो इसको अच्छा बनाते हैं, बहुत लंबा फ्यूचर भी नहीं सोचते, बार बार पास मिल जाते हैं, अभी ये जो है इस वक्त की खुशी क्या है, इस वक्त की जिक्र की खुशी है, इस वक्त जो फलां रिलेशनशिप है उसकी खुशी है, हम सांस ले रहे हैं इसकी खुशी है, हम किसी और के लिए कोई ऐसा काम कर रहे हैं उसकी खुशी है, उस मोमेंट को उनको लिव करना सिखाते हैं, उससे फिर क्या होता है कि वो आगे जाते हैं। फिर आप ऐसे जो बच्चे या ऐसे जो लोग होते हैं उनको एम्ब्रेस करना सिखाते हैं फन एंड प्लेयर विदाउट गिल्ट एंड फियर। मसलन आपके जानने वालों में इतने रिश्तेदार हैं, इतने लोग हैं, तो ये एक ही हुआ ना इंसिडेंस आपके साथ, बाय लार्ज सोसाइटी हमारी अच्छी है, और जब भी आप खुश हो तो आपको गिल्ट नहीं होना चाहिए। एक हमारी सोसाइटी में ना गिल्ट देने का बड़ा रिवाज है, लो जी इसके साथ इतना कुछ हुआ फिर भी हंस रही है, फिर भी खुश है, उनको लोगों से आइसोलेट नहीं होने देना, टोटल सबसे कट ऑफ होके रहना, मेरा दिल नहीं चाहता लोगों में उठने बैठने को। अब अगर किसी शख्स का दिल नहीं चाह रहा, जाहिर आप एकदम तो नहीं उसे पब्लिकली एक्सपोज करते, लेकिन आप उनको छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज देते हैं, अच्छा ये क्लोज सर्कल है यहाँ आओ, अच्छा इससे मिलो, दो लोगों से मिला, चार से मिला, अब काम के लिए मिला, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके अंदर फिर वो कैपेसिटी बिल्ड करते हैं कि वो बहुत से लोगों से हेल्दी तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। अच्छा फिर उसके बाद आप उनको अपने अंदर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए सिखाते हैं, ये एक टारगेट है आपका कि अपने अंदर एतमाद हो कि अगर आइंदा कभी मेरे साथ होगा, इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया है, आई विल नो हाउ टू रेज माई वॉइस। अब देखें ये तो हम बहुत बड़े इशू की बात कर रहे हैं, हमारे पास कितने लोग होते हैं जो सारी जिंदगी वैसे अब्यूज होते रहते हैं, एक हाँ नहीं कर सकते, एक ना नहीं कर सकते, मैं कैसे इनकार करूं। फाइंडिंग सपोर्ट एंड लर्निंग हाउ नॉट टू बी सो अलोन, आप उनको कहें तुम ऐसे करो कहीं सपोर्ट स्ट्रक्चर है, कुछ ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, कुछ वर्कशॉप ले लो, एंगर मैनेजमेंट के लिए लो, वो कहते हैं हमें गुस्सा बहुत आता है, डिप्रेशन पे आता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए लो। अच्छा अगर तुम ऐसी जगह रहते हो जहां पे ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है, यूट्यूब पे इतना कुछ है, अच्छा कोई पॉजिटिव थिंकिंग की बुक पढ़ा करो,
एक होता है कि आप हम उन्हें सपोर्ट स्ट्रक्चर दें, एक होता है कि हम उनको अपने पांव पे खड़ा होना भी सिखाएं। फिर हमारा फोर्थ स्टेप आता है और उसको हम कहते हैं प्री एम्प्ट करना, यानी कि आपने वक्त से पहले कुछ करना है। हम ये टॉपिक सुन रहे हैं, अगर हमें लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मेरे बच्चों में कोई मुझे ऐसा मसला नहीं नजर आया, बट मैं यहां आई हूं कि मुझे अवेयरनेस हो, मुझे पता तो चले। जब हमें ये पता चलता है कि अब्यूज एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम मास स्केल पे वो काम करेंगे जो नहीं हो रहा। अगर हम देखें कि सूरह अल आराफ की ये आयत नंबर 33 है, इसमें अल्लाह सुबहान तआला ने फरमाया, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا یہاں پہ، قل کیا کہ بے شک حرام کیا تمہارے رب نے تمام فواہش جو ظاہری ہوں اور جو باطنی ہوں۔ हमें अपनी सोसाइटी में इस चीज को इंश्योर करना है अपने सर्कल्स में कि फवाहिश को रोका जाए, हर किस्म की फहाशी पे हम आवाज उठाने वाले हों, हम सेक्सुअल अब्यूज में ना आवाज उठाएं, उन मामलात को जहां तक है उतने तक ही रहने दें, सोसाइटी में उस वबा को कैंसर की तरह ना फैलाएं, अखबारों में दें, टीवी में दें, मीडिया पे उनको उछालें, नहीं। अल्लाह ताला ने चीज को पसंद नहीं किया, उससे ये हो जाता है एक स्टेज आती है वो चीज नॉर्म बन जाती है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारी सेंसिटिविटी हमेशा रहे ऐसी चीजों के मामले में, कि जब भी हमें एक केस भी पता चले हम छलांग लगाएं कि क्या, यानी जब बुराई फैल जाती है ना तो लोग उसको नॉर्मल लेते हैं। जी बिल्कुल, मीडिया पे भी ऐसे केसेस बार बार बताए जाते हैं, इससे नुकसान ये होगा, ये एक वक्त आएगा कि ये नॉर्म बन जाएगा। अगर कोई बताएगा ना कि हाँ वो फलां को अब्यूज किया गया, तो कहेंगे हाँ आजकल तो बड़ा कॉमन है, बस लोग फिर कप ऑफ टी के साथ इसके बारे में बात करेंगे और उठ जाएंगे कि ये जो इतना बुरा एक गुनाह है इसके बारे में हमें इस तरह अवेयरनेस हो कि जब भी हमें पता चले हम एकदम हमें झटका लगे और हमें लगे कि हम कौन सा काम नहीं सही कर रहे सोसाइटी में। हम उसको तो उलुल अम्र के हवाले करें, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके हवाले करें कि जी प्लीज आप देखें ये मसला, इसको हल करें, उसको परसू भी करें, लेकिन सोसाइटी में हमें क्या काम करना है, फवाहिश पे नजर रखनी है। और अल्लाह सुबहाना ताला ने यहां हमें बताया है मा ज़ाहरा मिन्हा व मा बतन, जो जाहिर हो रही है जो छुपी हुई है, उन सब को रोकने की कोशिश करो। आपकी प्राइवेट पार्टी में कोई गलत काम कर रहा है आप उसको भी रोकें, और आपकी कोई जाहिरी तौर पे कहीं पे कोई सेटअप आ रहा है आप उसके मामले भी बहुत मोहतात रवैया रखें। आप सोचें नहीं जी ये करने की इजाजत नहीं, वल इस गुनाह वल बगी ज्यादती के काम बगैर हक, कहीं पे ज्यादती देखिए आप, कहीं कोई और गलत काम कर रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, कोई बिल बोर्ड गलत लगा है, कोई दुकानदार कोई गलत काम कर रहा है, आप हर चीज पे नजर रखते हुए आप अपना वो काम करें। और फिर क्या, वान तुशरिकु बिल्लाह, और अल्लाह से शिर्क ना करो। और फिर आखिर में क्या था, वह अन तकूलु अलल्लाहि मा ला तालमून, और अल्लाह के बारे में ऐसी बात ना कहो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। अब आप जरा नोट करें हम कहां पे इस वक्त पहुंचे हुए, बात अल्लाह सुबहाना ताला ने शायद में फवाहिश पे की है, हम कहां पहुंचे हुए, ये अल्लाह के बारे में हम वो बातें करते हैं जो हमें पता ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल कुरान में ही आया हुआ है, मेरा ख्याल है शायद का ये मतलब है, आप एक्सपर्ट हैं नहीं, हम तो अब यहां पहुंचे हुए हैं, फवाहिश तो बहुत पीछे रह गए। तो अब हमें करना क्या है, पहले तो अल्लाह ताला के बारे में खुद से कोई बातें करनी छोड़ देनी है, जो बातें ऑथेंटिक दलील के साथ करनी है, हमें अपनी सोसाइटी को इस लेवल पे लाना है, फिर शिर्क खत्म करवाना है। मेरा ख्याल है अल्लाह ताला कुछ नहीं कहेंगे इस बात पे, क्योंकि सारी सोसाइटी कह रही है शिर्क, तो हम भी शिर्किया कामों में लगे हुए। फिर हमारे साथ ज्यादती के काम छोड़ें, गुनाह छोड़ें, और फवाहिश को हम रोकना शुरू करें। जाहिरी फवाहिश पे तो हम जाके लोगों को बता सकते हैं कि दिस इज नॉट राइट। शादियों में आप देखें क्या हालात है, तो अब तो दूल्हा दुल्हन भी पहले से प्रैक्टिस करके डांस कर रहे हैं, हम अलाउ कर रहे हैं अपनी फैमिलीज में, हम कहते हैं मैं क्या करूं बच्चे बात नहीं मानते। बच्चे जो आपकी मर्जी की बात नहीं मानते तो आप उसको क्या करते हैं, करने देते हैं नहीं, लेकिन आप कहते हैं चलो खैर है बच्चों की खुशी है। नहीं इजाजत देनी चाहिए ऐसे कामों की, नहीं ऐसे काम करने देने चाहिए ताकि ये बुराइयां रुके मुआशरे में।